guys welcome or welcome back to my channel i am muskan and i hope you all are safe and doing great if you're watching my video for the first time please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos plan notification ओके गाइस सो टूडेज़ वीडियो इज समथिंग जिसका थंबनेल और टाइटल देखा आपको पता चल गया होगा वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव आज मी अबाउट दिस क्वेश्चन लाइक हाउ यू गेट टू नो दैट व्हाट्स योर नेक्स्ट फ्लाइट देखो पता कैसे चलता होगा कि एक दिन पहले कॉल करके बताते हैं एकदम से बताते हैं तो तू फ्लाइट पर कैसे चली जाती है तो so, मे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कई लोग के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि कैबिन क्रू का जो फ्लाइट है वो जस्ट फ्लाइट ऑपरेट करने से कुछ घंटे पहले ही उन्हें बताया जाता है कि हमें आज तुम्हारी फ्लाइट है या उन्हें कैसे पता चलता है कि कल उनकी फ़्लाइट है यू you नो know, ऐसे बिकॉज नाइन टू फाइव जॉब हैज़ अ फिक्स टाइमिंग एंड कैबिन क्रू जॉब इज समथिंग विच हैज़ अ रोटेशनल शिफ्ट बिकॉज इट्स लाइक इफ यू आर टूडे यू आर ऑपरेटिंग मॉर्निंग फ्लाइट सो मे बी टमारो यू आर ऑपरेटिंग यू विल ऑपरेटिंग द नाइट वन एंड डे आफ्टर टमोरो मे बी यू विल ऑपरेटिंग द डे वन सो ऐसे शिफ्ट रहते हैं तो so, काफी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है तो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन डट दैट एवरी वन विल गेट टू नो दैट हाउ वी गेट टू नो अबाउट आर फ्लाइट केड्यूल्स सो इफ आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हेट द बेलाइकन फॉर माई विडियोज प्राइ नोटिफिकेशन सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विदीडियो ओके गाई सो लेट्स जस्ट स्टार्ट लाइक यू नो स्कूल टाइमिंग पे जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें एक टाइम टेबल दिया जाता है कि इस दिन आपके ये ये पीरियड्स होंगे इस दिन आपके ये ये पीरियड में ये ये सब्जेक्ट्स की टीचिंग होगी एंड कौन से डे आपका गेम्स डे होगा है ना ऐसे हम लोग को हर मतलब स्टार्टिंग में जब हम किसी नए क्लास में जाते हैं तो स्टार्टिंग में ही आगे टाइम टेबल होता है जिसमें वो हमें सारी चीज़ें लिखवाते हैं स्कूल वाले ऐसे सेम हर चीज़ का एक टाइम होता है जैसे आप ट्यूशन जाते हो तो आपको पता रहता है कि आपका जो ट्यूशन का टाइमिंग है वो इस टाइम से इतने बजे तक है आप ऑफिस जाते हो नॉर्मल नाइन टू फाइव की जॉब की अगर हम बात करें तो उनको पता रहता है कि हाँ उन्हें रोज़ सुबह उठ के जाना है और उस इस टाइम पे उनकी शाम को सात या आठ बजे उनकी छुट्टी हो जाएगी उससे ज़्यादा भी लोग काम करते हैं नाइट शिफ्ट वालों को ये पता रहता है कि इतने बजे से उनकी ड्यूटी शुरू होगी एंड इतने बजे तक उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी सो so, एयरलाइन कभी भी एक दिन पहले या तीन घंटे पहले का रिस्क नहीं लेती है वो कभी ये लेके नहीं चलती है कि हम क्रू को एक घंटे पहले बताएंगे हम कैप्टेंस को एक घंटे पहले बताएंगे दैट यू हैव अ फ्लाइट यू हैव टू ऑपरेट दिस फ्लाइट इट्स नॉट लाइक दिस अगर ऐसे होने लगा तो फ्लाइट्स कभी टाइम पे नहीं मतलब टाइम पे डिपार्ट नहीं कर पाएंगे सो कैसे हमें पता चलता है सेम वे जैसे सब चीज़ का टाइम टेबल होता है हमारा मंथली रोस्टर आता है सो मंथली रोस्टर मीन्स स्कैड्यूल हमारा पूरे मंथ का रोस्टर एक साथ ही मिल जाता है सपोज अभी जानवरी चल रहा है तो मेरा रोस्टर दिसंबर के एंड में ही आ गया था सपोज़ ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव को ही मेरा रोस्टर आ गया था अभी जनवरी चल रहा है तो मुझे मेरा फेब का नहीं पता कि मैं फेब में क्या फ़्लाइट कर रही हूँ मेरा फेब का मुझे तब पता चलेगा जब अराउंड ट्वेंटी एट जनवरी होगा या ट्वेंटी नाइन जनवरी होगा देन मेरे को मेरा फेब का पूरा मंथ का स्केड्यूल आ जाएगा देन मुझे इस दिन ये फ्लाइट है इस दिन मेरी छुट्टी है इस दिन ऐसे सो दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर आर फ्लाइट दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर सेल्फ फॉर आर फ्लाइट्स क्योंकि हमें पता रहता है ना कि ये फ्लाइट है अगर ऐसे तीन घंटे पहले बताया जाए या फिर एक घंटे पहले बताया जाए तो क्रू को तो रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलेगा ना सपोज अगर मैं अभी ऐसे वीडियो बना रही हूँ और मुझे तुरंत और मुझे अपना रोस्टर ही नहीं पता है मुझे अपना स्केड्यूल ही नहीं पता है नाम अ फ्लाइट अटेंडेंट मुझे वो एक घंटे पहले कॉल करेंगे मेरा तो यही हो जाएगा ना कि मैं अभी जाऊँगी तो रात का आऊँगी तो मैं सोऊँगी कब मैं खाऊँगी कब तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ही अवॉइड करने के लिए वो हमारा मंथली रोस्टर एक मंथ मतलब पूरे मंथ का रोस्टर मंथ खत्म होने से ही पहले ही भेज देते हैं सो जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जनवरी जब ख़त्म होगा लाइक अराउंड ट्वेंटी एट जनवरी होगा या ट्वेंटी नाइन जनवरी होगा आई विल गेट दी रोस्टर ऑफ माय फेब मंथ कि फेब में मेरी इस दिन फ्लाइट्स हैं इस दिन छुट्टी है इस 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 दिन मुझे डे की फ्लाइट ऑपरेट करनी है इस दिन मुझे मॉर्निंग फ्लाइट ऑपरेट करनी है एंड इस दिन मुझे नाइट फ्लाइट ऑपरेट करनी है सो ऐसे रहता है वो कभी भी लास्ट मिनट का रिस्क नहीं लेते हैं बिकॉज फ्लाइट इज़ समथिंग कि अगर थोड़ा सा भी डिले होता है तो बहुत एक्सट्रीम लॉस हो जाता है सो so, ये सारी चीज़ें अगर एयरलाइन लॉस बेयर करती रहेगी देन वो अपने यू नो स्टाफ को क्या ही सैलरी देगी तो दिस इज़ हाउ वी गेट टू नो अबाउट आवर फ्लाइट्स आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि कैबिन क्रू कैसे अपने फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं एंड प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना बिकॉज आई गेस ये ऐसा क्वेश्चन है जो सबके माइंड में आता है इवन मेरे खुद के कई फैमिली मेम्बर्स के माइंड में आता है वो मेरे से भी ये पूछते हैं तो कैसे करती है फ्लाइट मेरे फ्रेंड्स लोग सोचते हैं कि मैं कैसे फ्लाइट पर जाती हूँ मैं कब सोती हूँ मैं कब खाना खाती हूँ तो so, ये कुछ क्वेश्चन है जो तो सबके माइंड में आ जाती है बट यू नो हर चीज़ को एक तरीके से एक यू you नो know, वे में मैनेज किया जाता है जिस वजह से सारी चीजें एकदम सॉर्टेड रहती हैं सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी इफ़ येस देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो साइड में बेल आइकन है प्लीज़ अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो उसको भी प्रेस कर देना सो so दैट जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिलती रहे एंड uh, नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आपने मुझे यूट्यूब पर इतना सपोर्ट किया प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करके सपोर्ट करो क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ बट वहाँ मुझे कोई फॉलो नहीं करता तो प्लीज़ वहाँ पर भी मुझे फॉलो करो एंड या आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना सोना सो पता चल जाए कि कैसे ये सारी चीजें मैनेज होती हैं अब मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक